हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आई एस माई नेम इज मनीष मित्तल और आज हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स में आपको फोर्थ ऑफ फेब्रवरी 2021 को क्या क्या पढ़ना है स्टार्टिंग विद द हिंदू पेज नंबर वन मैसिव गैदरिंग इन हरियाणा डिमांड्स रिपील ऑफ फार्म लॉज सो इट्स अ कंटिन्यूइंग न्यूज गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर ऑन फार्मर जेनोसाइड हैश अब ये न्यूज भी थोड़ी सी ही है बट वॉट इज इंपॉर्टेंट हेयर इज कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वोक कर सकती है अगेंस्ट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अग्रींग और नॉट अग्रींग टू वर्ट द गवर्नमेंट इज़ सें तो लीगल प्रोविजन यहाँ पे आपको पता होने चाहिए कि वो कौन से लीगल प्रोविजन हैं अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड जो कि गवर्नमेंट इन्वोक कर सकती है इन केस सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डज नॉट अबाइड बाय द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट इस न्यूज़ में आपको बस ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है then uh, moving ahead let us go to the page of editorial editorial ke page pe, this is an article weighing in on the biden presidency weighing in on the biden presidency so uh isme joe biden ki presidency ke article hai, written by mr mk narayanan a very prominent uh, columnist a very prominent writer तो इन्होंने इंडिया यूएस रिलेशंस पर लिखा है दैट इफ़ यूएस रिटर्न्स टू द ओबामा एरा पॉलिसीज इस इट मे बी गुड फॉर इंडिया बट इट मे बी इन एडुकेट फॉर द वर्ल्ड तो ये एक इंडिया यू एस रिलेशन के ऊपर कि आने वाला टाइम कैसा होने वाला है कैसा होना चाहिए उसके ऊपर इन्होंने लिखा है uh, काफ़ी इसका ब्रॉड एंगल uh, बताया गया है कि इंडिया के लिए क्या इम्प्लिकेशन हो सकते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ मिस्टर जो बाइडेन एज द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट तो ये आपने पढ़ना है Then, uh, ये जो एडिटोरियल है अर्बन विजन्स इसमें बजट 2021-22 में जो अर्बनाइजेशन के लिए कुछ मेट्रो और अर्बन मोबिलिटी की बात की गई है उसको कहा गया है उसको कहा गया है कि दैट इट्स गुड बट उसको थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ओवरऑल अर्बन प्लानिंग जो है ओवरऑल पॉलिसी रिफॉर्म की उसके लिए ज़रूरत है ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं देन ये दोनों आर्टिकल्स जो है नेक्स्ट यू कैन स्किप इज नथिंग मोर मच इम्पॉर्टेंट इन दीज आर्टिकल्स देन ऑन पेज नंबर सेवन ओपीडी पेज के ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्मार्ट वॉल्स फॉर इंडियन बॉर्डर्स स्मार्ट वॉल्स फॉर इंडियन बॉर्डर्स तो बॉर्डर सर्वेलेंस पे बॉर्डर सर्वेलेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए स्मार्ट फ़ेंस नाम की जो चीज़ होती है उसके ऊपर ये एक आ, आर्टिकल है एक न्यूज़ आइटम है वर्चुअल सर्वेलेंस सिस्टम में हेल्प इंडिया इट्स बाउंड्रीज इवन इन डिफ़िकल्ट लोकेशंस तो इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं जो इंडिया फिज़िकली शेयर करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है उसमें सॉल्ट प्लेन्स भी हैं उसमें डेजर्ट भी है हाइस्ट ऑफ़ द माउंटेन्स भी उसमें आती हैं काफ़ी वेरिंग टेरेन है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस या वर्चुअल सर्विलांस जो है दैट कैन बी दैट कैन प्रूव टू बी अ बून फॉर इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी तो ये आर्टिकल है उस पे ये आपको जरूर पढ़ना है <coughs> उसके बाद दिस न्यूज़ वी हैव ऑलरेडी डिसकस्ड HAL गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 83 LCAs इन 48000 करोड़ डील द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको एक uh, uh, ऑर्डर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 83 उसने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एल सी ए मैन्युफैक्चर करने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिलीवर करने हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी ए फोर्टी एट थाउजेंड करोड़ रुपीज़ डील और इसमें जो आत्मनिर्भरता वाला कॉम्पोनेंट है आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस यानी कि मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो डिफेंस डील्स में ये आपको करना है ज़रूर moving ahead हेड लेन काफी इंपॉर्टेंट है आज का वर्ल्ड पेज बहुत सारे न्यूज है जो आपको पढ़नी है फर्स्ट इज सू की चार्ज रिमांडेड फॉर टू वीक्स तो म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है उसके बाद वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है ऑन ऑनसान की हु इज ऑल्सो द नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं

और म्यांमार में अगर डेमोक्रेसी है इट इज़ इन इंडियाज़ इंटरेस्ट बट इफ देर इज अ मिलिट्री टू इन म्यांमार विच इज़ वेरी अथॉरिटेटिव देन इट गोज़ अगेंस्ट द इथोज दैट वी सेलिब्रेट इन इंडिया तो डेमोक्रेसी प्रो डेमोक्रेसी है इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ऐसे में म्यांमार में जो हो रहा है उस उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उस पर आप अपना ओपिनियन बनाएंगे बाय रीडिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज दिस ईरान रूहानी रूल्स आउट चेंजेस टू न्यूक्लियर डील तो जो ईरान न्यूक्लियर डील थी 2015 में साइन की गई थी जे और जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन उससे पहले यू ने विड्रॉ कर लिया था उसके बाद ईरान ने भी उसको उससे विड्रॉ कर लिया उसकी जो प्रोविजन थी उसको वायलेट करना शुरू कर दिया बट नाउ दैट द न्यू यू एस प्रेजिडेंट एंड न्यू यू एस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इन पावर तो उन्होंने दोबारा से यू एस डील ईरान डील को जो है वो रिवाइव करने की बात की है बट विद सम हालांकि ईरान ने कहा है कि कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा इफ द सेम डील इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड देन इट कैन बी डन बट नो चेंजेस विल बी डन द डील विल नॉट बी ब्रॉडेंड ऑलरेडी दस साल के नेगोशिएशन के बाद वो डील साइन हुई थी देर विल बी नो री नेगोसिएशन ऑन द डील दिस वट ईरान सुप्रीम लीडर हैज़ सेड अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यू एस एक्सटेंड न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी विद रशिया तो यूएस ने एक जो नई स्टार्ट ट्रीटी है स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी एस टी ए आर टी स्ट्रेटिजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी ये एक न्यूक्लियर ट्रीटी है इसको अब पाँच साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है टू प्रिवेंट एन आर्म्स रेस हालांकि यूएस और रशिया में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं बट स्टिल यू एस हज़ टेकन दिस इनिशिएटिव एंड बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस ट्रीटी ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हें कम किया जा सके इस ट्रीटी में बेसिकली होता क्या है आ, पहले तो ये ट्रीटी 2026 तक एक्सटेंड की गई है उसके बाद इसमें है क्या न्यू स्टार्ट कैप्स टू फिफ्टीन फिफ्टी द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स दैट कैन बी डिप्लॉयड बाय मॉस्को एंड वाशिंगटन यानी कि 1550 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ये कंट्रीज होल्ड नहीं कर सकती दिस इज़ द लिमिट ऑन द न्यूक्लियर वेपन दैट दीज कंट्रीज कैन होल्ड द न्यू स्टार्ट कैप्स टू फिफ्टीन फिफ्टी द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड इससे ज़्यादा बॉम्ब्स ये कंट्रीज होल्ड नहीं कर सकती ओके okay? so this is what uh, you need to know important ye then on the uh, business page this is a uh, good news good means it's a uh, important news i would say amazon's bezos to step down as ceo sales top 100 billion dollars for the first time amazon one of the top कंपनीज इन द वर्ल्ड उसके जो सी हैं ही इज लाइकली टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पैनल ऑफ एमेजोन ये एक न्यूज़ है जो आपको करनी है सो दिस इज़ वट यू नीड टू डू इन द हिंदू देन इन इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस को अगर देखें हम So, in Indian Express, let us just see the important news items. <clears throat> so let us come to the editorial page in the indian express which is page number 12 to yahan par budget ke upar uh, ye ek article hai consolidate spend revive ye article aapko padhna hai then ये एक आर्टिकल है again economy के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पढ़ना है considered balance.

आई आर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन पेज पे ये आर्टिकल है जो आपको ज़रूर पढ़ना है सेट बैक्स इन श्रीलंका तो श्रीलंका ने रिसेंटली इंडिया को अपने एक पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है बिकॉज ऑफ द इंटरनल यू कैन से एजिटेशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल या ई है कोलम्बो पोर्ट पर वहाँ से अदानी कॉरपोरेशन को श्रीलंका ने बाहर कर दिया यानी कि इंडियन पार्टनरशिप को बाहर कर दिया है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से तो उसके बाद से इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप का एक एनालिसिस है कि श्रीलंका में इंडिया को एक सेटबैक मिला है सो दैट इज़ एन आर्टिकल यू शुड स्टडी इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन परस्पेक्टिव से दिस अगेन कम्स अंडर द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड उसके बाद हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा फ्रीडम स्ट्रगल साइन पोस्ट हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम हंड्रेड ईयर्स एगो तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी टू में आ, ये एक मेमोरियल साइट है चौरी चौरा पुलिस स्टेशन की तो ये एक आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है ना अगेन हिस्ट्री है अब हिस्ट्री में कोई भी इवेंट सौ साल बाद हो रहा है जैसे उन्नीस सौ बीस के बाद दो हज़ार बीस में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हंड्रेड एनिवर्सरी मनाई राइट right? तो इस तरह से अभी चौरा चौरा इंसिडेंट के हंड्रेड ईयर्स कम्प्लीट हो रहे हैं सो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इफ इट कम्स इन टू न्यूज़ तो वो दोबारा से इंपॉर्टेंट हो जाता है सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम एज वेल एक्सप्लेन पेज पर ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है एंड ऑन द इकोनमी पेज पेज नंबर फिफ्टीन दिस इज़ वन न्यूज़ दैट यू हैव टू स्टडी स्टैजर्ड डिस इन्वेस्टमेंट अप्रोच या स्टैजर्ड डाइवेस्टमेंट अप्रोच तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिटिसिज्म हो रहा है दैट गवर्नमेंट इज डिस इन्वेस्टिंग एवरीथिंग गवर्नमेंट इज प्राइवेटाइजिंग एवरीथिंग उसके ऊपर एक न्यूज एनालिसिस है यू शुड रीड दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम एज वेल सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रीड इन दीज टू न्यूज पेपर्स टूडे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स थैंक यू